नमस्कार दोस्तों, क्या आप जादू टोना पर यकीन रखते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, हो सकता है कि आप इस वीडियो के खत्म होते होते जादू टोना पर काफी यकीन करने लगे। दोस्तों, कई बार अचानक सब बनते बनते काम अचानक बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छे खासे खुशहाल जीवन पर गर्मी के बादल छा जाते हैं। हर जगह केवल नेगेटिविटी का सामना हो रहा हो तब मन में इस बात का शक होना स्वाभाविक है कि कहीं किसी ने आप पर काला जादू तो नहीं कर दिया। कुछ लोग मानते हैं कि ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, किसी की बुरी नज़र लगना, श्राप और बाकी के सभी प्रकार के काले जादू वास्तविक और गंभीर खतरे हैं जो उनकी मानसिक और शारीरिक खुशहाली पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालते हैं। हालांकि जादू टोना के अस्तित्व के लिए कोई यकीन करने लायक सबूत डायरेक्ट रूप में नहीं है, फिर भी मन में इसका विचार आना भी बहुत डरावना अनुभव है। खासकर अगर आपको शक है कि किसी ने आप पर काला जादू वास्तविक रूप में कर ही दिया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ बातें जानना बहुत ही आवश्यक है काले जादू से संबंधित। दोस्तों, शारीरिक संकेतों में सिर दर्द, शरीर में दर्द या सुस्ती शामिल हो सकती है। हालांकि इन लक्षणों के दिखने के पीछे मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन मानसिक या भावनात्मक संकेत में निष्ठा में परिवर्तन, दुर्भाग्य और बुरे सपने आना शामिल हो सकता है। वैसे केवल जादू टोना ही इन लक्षणों के सामने आने का एकमात्र कारण नहीं है। अगर आपको लगता है कि जादू टोने के आप शिकार हैं तो किसी उच्च शक्ति से प्रार्थना करके मदद लें या नमक पानी और सफ़ेद मोमबत्तियाँ से खुद को शुद्ध करने की कोशिश करें। आइए आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाते हैं दोस्तों। दोस्तों, क्या है काले जादू के कुछ लक्षण, आइए आपको बताते हैं। सिर दर्द। जादू टोने के शिकार कई लोग बताते हैं कि उन्होंने दिन भर में अचानक किसी भी समय पर बेवजह सिर दर्द का अनुभव किया। उन्होंने मान लिया है कि सिर दर्द इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने उन पर जादू कर दिया है। दोस्तों, बुरे सपने। कुछ लोगों का मानना है कि जादू टोना की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा भयानक सपने आते हैं। इन बुरे सपनों में आप काले रंग के कुत्ते, सांप, बिच्छू और अन्य जानवरों को अपने पीछे आते हुए देख सकते हैं। हालांकि इसके पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं जो साइंस खुद बताती है। दोस्तों, इसके अलावा शरीर में भी दर्द हो सकता है। आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले कुछ लोगों का मानना यह है कि अस्पष्ट शारीरिक दर्द काले जादू के प्रभाव से जुड़ा होता है। उनके अनुसार कोई भी डॉक्टर आप में कोई समस्या नहीं पाएगा और यहाँ तक कि दर्द महसूस होने के बावजूद भी आपको बताएगा कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। दोस्तों, लेकिन इसके पीछे कई बार काला जादू ही कारण होता है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आपको सुस्ती महसूस हो रही हो। जी हाँ दोस्तों, आगे हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए हमारे इस पूरे वीडियो को। दोस्तों, सुस्ती में कुछ लोगों के अनुसार काला जादू आपको काफ़ी नींद का एहसास करा सकता है और साथ ही किसी भी समय सोने के लिए तैयार महसूस करा सकता है। और हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आप सारा दिन सोए हैं लेकिन फिर भी शरीर आपका थोड़ा सुस्त या अस्वस्थ जैसा मालूम पड़ेगा। कई बार आपके इमोशनल चेंजेस भी होंगे, यानी भावनाओं में बदलाव होंगे। कुछ संस्कृतियों में काले जादू के शिकारों में अपने जीवन साथी या साथी के प्रति नकारात्मक भावनाएं बनना शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा ये लोग अपने जीवन में किसी खास व्यक्ति को के प्रति आज्ञाकारिता या भक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ हमसे बड़ी शक्तियां यानी सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से ऐसा होता है। दोस्तों, कई बार इंसान पागल भी हो सकता है। खराब मानसिक स्वास्थ्य भी हो सकता है, यानी कुछ लोगों को मानना है कि चिंता, अवसाद और आत्महत्या के विचार जैसे लक्षण जादू टोने टोटके से जोड़कर हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा कई बार आप ऐसा देखते हैं कि आपको रास्ते में बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया या आपकी आज खराब किस्मत है, किसी को वो चीज़ मिल गई जो वो डिज़र्व नहीं कर रहा था और आपको वो चीज़ नहीं मिली। दोस्तों, जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई मेडिकल रीज़न नहीं हो सकता। ऐसे में कई लोग ऐसा मानते हैं कि आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले लोग
ये कहते हैं कि जादू टोना किसी के भाग्य और दिन प्रतिदिन की उपलब्धियों में हस्तक्षेप कर सकता है। आप शायद महसूस कर सकते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही बदकिस्मत हैं और दूसरे को वो मिल जा रहा है जो कि वो डिज़र्व नहीं करता। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि खुद को बचाने के क्या तरीके हैं इन टोने और टोटके से। दोस्तों, एक उच्च शक्ति से प्रार्थना करें और मदद मांगें। आप जिस भी धर्म के हैं, आप बस अपने भगवान अल्लाह ईश्वर क्राइस्ट जिसको भी आप मानते हैं, या हो सकता है वो आपके इष्ट देव हो, या आपकी कोई मूर्ति हो, या आप खुद में ही ध्यान करते हो, जो भी आपसे उच्च शक्ति है जो आप मानते हैं उससे आप प्रार्थना करें और मदद मांगें कि हे भगवान, मुझे इससे लड़ने में मदद करो। मुस्लिम लोग कई बार दुआ भी कर सकते हैं और ऐसा कह सकते हैं कि अल्लाहु अम्मक फिनेहिल्ला बिस्मिल्ला। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है हे अल्लाह, मुझे उनसे जिस तरह से उचित लगे उससे मेरी रक्षा करें। अगर आप हिंदू हैं तो आप जय श्री राम या जय बजरंग बली के नारे लगा सकते हैं और ऐसे में आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा नमक एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। नमक से खुद को साफ करें और सफ़ेद मोमबत्तियों को जलाएं और उसके साथ पूजा करें। दोस्तों, इसके अलावा हो सके तो जादू टोने पर विश्वास करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमेशा डॉक्टर आपकी डिजीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। उसका कारण यही है कि कई बार आपको जादू टोने या टोटके का भी असर हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई टोना करता है या नहीं करता है, आप अभी भी सोच रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप खुद से नहीं पूछते तो ये जानने का कोई तरीका डायरेक्ट तो नहीं है कि आप पर जादू हुआ है या नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी कोई चुड़ैल या किसी बुरा साया आपके ऊपर अगर आया है और अगर कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो अंतिम उपाय आपको भगवान से मदद मांगने से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसका असर बढ़ता रहे और आप बस मेडिकल जांचें ही करवाते रहें। दोस्तों, ये मानिए कि मेडिकल साइंस कितना भी आगे प्रगति कर गई हो, लाखों बीमारियां ऐसी हैं जिसका मेडिकल साइंस के पास कोई उत्तर नहीं है और वो बस किसी न किसी रूप में हमारे शरीर की गतिविधियों में छोटा मोटा बदलाव को समय के लिए ला सकती है, लेकिन इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो ईश्वर का ही दे सकते हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को एक बिग थम्स अप दीजिए और लाइक करिए। आप ये भी बताइए कि क्या आपके साथ कभी जादू टोना टोटका ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो हम अपने एक्सपर्ट से सलाह लेकर ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको इसका कुछ ना कुछ उपाय बताएं। तब तक के लिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे बाबा जी का जिन्होंने हमें ये सारी जानकारियाँ बताई हैं।